शौहर की यही जिम्मेदारी होती है। जाइएगा मत। ये एप्पल जूस ले लिया और बीबी की हेलो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी बेगम को लेके जा रहा हूँ उनके काम पे। और एक शौहर की यही जिम्मेदारी होती है कि अपनी बीवी की जितनी भी उनकी चीज़ें हैं वो उनकी पूरी करवाए, जैसे कि उनका काम। तो आज मेरी बीवी की जिम्मेदारी होती है कि वो ध्यान से भाई गाली मैं आपको डर गई। बीवी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो हस्बैंड की सारी चीज़ें पूरी करे। जी बिल्कुल, मेरी बेगम ने सुबह उठते ही मुझे नाश्ता करवाया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करवाई है। लेकिन उसकी रीज़न है आज, वो ये रीज़न है कि मुझे इनको लेके जाना था। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना मैं पहले थोड़ा सा स्टेप मैं लूं और फिर आधे घंटे का काम मैं करूं, फिर ऐसन से पूरे 24 घंटे का काम करवाऊं, ऐसन गाड़ी में बैठ के वेट करे। जब आपके शूट होते हैं, जब आपका काम होता है, मैं आपके साथ होती हूं। कोई भी नहीं होती है, वो तो आप शक करने के लिए साथ होती हैं। आप भी तो शक करने के लिए साथ हैं। इस टाइम मैं इनको लेके जा रहा हूँ कि मेरे से गाड़ी नहीं चलती है, पहले मैं इनको लेके जाऊंगा सैलून, वहाँ छोड़ूंगा, वहाँ 3-4 घंटे लगेंगे, उसके बाद ये आएंगी, फिर इन्हें मैं लेके जाऊंगा वहाँ जहाँ इन्होंने शूट करवाना, फिर इनका शूट होगा, वहाँ इनकी वीडियोस बनाऊंगा, बिहाइंड द सीन्स बनाऊंगा, फिर इनको सुकून मिलेगा जाके। स्कूल क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। अच्छा, सुकून। सो अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है गाइस? जाइएगा मत। मैं अब 2 घंटे यहाँ वेट करूँ, मुझे अब यहाँ वेट करना पड़ेगा। सो गाइज, मैं पिछले कोई 1.5 घंटे से अपनी बेगम का वेट कर रहा हूँ, अभी सैलून से तैयार होकर नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ले लूँ। तो मैंने उनके लिए एप्पल जूस ले लिया, बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, और ऑब्वियसली बिल्कुल है। तो ये मैंने इसलिए अभी ले लिया क्योंकि अभी उन्होंने शूट पे जाने, लेकिन वो एकदम शुरू हो जाती है, ऐसा ना मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे कुछ खिलाएं। तो मैंने सोचा, मैंने भी एक्चुअली अनार का जूस लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले ही ले कर रख लूँ। तो अभी वो आएंगी, मैं दिखाऊंगा आपको कि वो कैसा तैयार होके आई हैं और उनका क्या रिएक्शन है कि मैंने उनकी केयर की है छोटी सी चीज़ की, कि मैं जूस पहले से लेके रख रहा हूँ। आप लोग देखना, ये मेरी बेगम आ गई हैं तैयार होके। आइए बढ़िया, बनाए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरे लिए शेक ले। थैंक यू, बैठा नहीं जा रहा। क्यों? बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। शेक पीना है मुझे। ये एप्पल जूस है आपका, वो मेरा अनार का जूस है, उसको छोड़िएगा। हम लेट हो रहे हैं। अच्छा एक बात पूछूं, बस एक बात, ये डबल चिन आपकी मेरा ख्याल है, बस ना ही पूछूंगा कि बहुत अच्छी लग रही है। किसका ड्रेस पहना है आपने? कवल मलिक, आपका प्रोटेक्ट, वो टूटा हुआ कवर। मेरा फोन जो है वो ऑफ हो गया, उसकी स्टोरेज फुल हो गई है, और अब मदिया अपना शूट करवाने लगी है, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैडम साहब शूट करा रही है, मैडम साहिबा। अच्छा, ये पिक्चर्स मेरा शूट चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए, थोड़ा सा झूठ बोल रहा हूँ लेकिन आई गेस 1.5 घंटा तो हो ही है। लेकिन अली भाई कब से शूट कर रहे हैं और जो हमारा व्लॉग बना रहे हैं भाई, ये कब से पोजेस वगैरह भी बता रहे हैं मंडिया की, और एक ड्रेस में इनकी आई गेस के 900 से ऊपर पिक्चर्स आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स इनकी आ चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं, वो ड्रेस के लिए ऐसे नहीं आ सकते।
वाईफाई डाल दिया लेकिन फिर भी आप ये वाला पोज अगर करवाते हैं तो पहली पिक्चर जाया होगी मैं कुछ नहीं कर सकता था इन्होंने इतना ज़्यादा सामान अंदर डाला मैं मेकअप कर चुका हूँ क्या यार बालों के लिए करती हूँ इतना ये बुक माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है देखिए ऐसी अच्छी आनी चाहिए हाँ वीडियो में जो तो असलियत आ रही है ना बुक की लेकिन पिक्चर्स में अच्छी है हाँ पिक्चर्स में अच्छी आएगी अब नेचुरल पढ़ने से पढ़ रही है नेचुरल ना तो इस तरह की एक्टिंग है दोबारा से पढ़ाई शुरू वेट करना मैं देखें सर ऐसे आइबन ये सर आने जा रहा है। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि मदिया का फोटोशूट हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर और मदिया ने मेरी जैकेट ले ली है क्योंकि उनको सर्दी लग रही है लेकिन उन्होंने एसी भी बंद नहीं करना ऐसा कुछ नहीं है अच्छी लग रही हूँ आपके ऊपर जैकेट में अच्छी लग रही हूँ थैंक यू आप लोग प्लीज कॉमेंट सेक्शन में तारीफ कीजिए ये व्लॉग यहीं पे खत्म होगा करें खत्म एग्जैक्टली ये यहीं पे खत्म होगा बाकी खैर मैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ओ सॉरी एसन के चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए हमें जैसे आप लोग प्यार करते हैं और पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूंगा सो गाइस अपना ख्याल रखिए अपनी दुआओं में याद रखिए और इन्होंने मुझे एंड नहीं करने देना अल्लाह हाफिज़।